हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदी सभा के जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आप सबकी फरमाइश पे आज अम्मी आ गई है अपने मटर पुलाव की रेसिपी बताने के लिए, जिसकी बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी और हम लोगों को वक्त नहीं मिल पा रहा था ये रेसिपी बताने का। तो आज हमने अम्मी से कहा, वैसे भी अम्मी जुमे को कुछ ना कुछ अच्छा बनाती है और मटर पुलाव तो बनाती है ना, क्योंकि भाई जब भी वैसे तो डाइट करते हैं लेकिन जुमे की नमाज के बाद वो कहते हैं कि अम्मी कुछ क्या बनाए अच्छा खाने में, ना बताओ। हाँ, तो हम अच्छा ही बनाते हैं उस दिन। हाँ, तो हमने सोचा कि आज बना भी लेते हैं और आप सबको दिखा भी देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो जैसा बना बनाएंगे। हाँ, आप पता है वो क्या होता है ना कि एकदम अम्मी को क्या है कि अम्मी ना हमेशा जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप सब भी रिलेट करेंगे, वो लोग क्वांटिटी नहीं देखते, वो लोग क्या देखते हैं अंदाजे से हर चीज डालते हैं। तो अम्मी को गिन के बताने के लिए बहुत वो लगता है। हाँ, आज मैं पहली बार ऐसे बना रही हूँ नाप के हर चीज करके। हाँ, तो बाकी सब ऐसे भर के बना देते हैं, बहुत अच्छा बनता है। हाँ, तो अभी हमने अम्मी से कहा कि पहले आप अंदाजे से सब निकाल लो, फिर हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि आप सबको किस तरह से बताना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हम आपको पुलाव का बताएंगे, उसके बाद जब तक पुलाव बनेगा तब उसकी चटनी बताएंगे, चटनी। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। सो फ्रेंड्स, मटर पुलाव बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी चावल की। आप किसी भी तरह के चावल ले सकते हैं, आप जो खाते हैं। हमने इसे हल्का सा भिगो के रखा है क्योंकि ये थोड़े दूसरे वाले चावल है, जो नॉर्मल हम खाते हैं ये वो चावल नहीं है। और उसके बाद मटर की। तो अम्मी, हमने कितने चावल लिए हैं? आधा किलो से थोड़ा ज्यादा है, मतलब आधा किलो ढाई पाव। ठीक है, और उसमें हमने ये पाव किलो मटर लिए हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ आ जाते हैं मसालों पे। तो अभी ये तीन प्याज, हाँ, तीन टमाटर, चार हरी मिर्ची और थोड़े मोटे वाले बड़े वाले जीरा, दो तीन तेज पत्ता, काली मिर्च, एक फूल दालचीनी बस। अच्छा, तो ये दालचीनी हो गई इतनी, मतलब एक टुकड़ा भी आप ले सकते हैं। हाँ, दो इलायची है तीन, और ये पत्ते हैं, ये जीरा, ये बकरी किस तरह से डालेंगे वो आपको दिखाते जाएंगे। और आपको जरूरत पड़ेगी ये जिसमें काली मिर्च है, थोड़ी सी काली मिर्च है, सही जीरा है इसमें, वो जो छोटे वाले जीरा होते हैं वो है। हाँ। और उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये दो बड़े चम्मच। हाँ, हाँ। खाने वाले टेबल स्पून। हाँ, से एक चम्मच सौंफ। हाँ, दो चम्मच भर के गरम मसाला। फ्रेंड्स, ये जो गरम मसाला है ये अम्मी ने घर पे पीसा हुआ है, अम्मी का घर का बना है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आपके पास नहीं है, आप बाहर वाला भी ले सकते हैं। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, तो आप घर पे और भी ज़्यादा टेस्टी और अच्छा और प्योर एकदम गरम मसाला बना सकते हैं। हाँ, और बिल्कुल से बाहर का नहीं, बिल्कुल भूल जाओगे, ये बहुत अच्छा बनता है। लेकिन इसमें क्या क्या डलता है मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ठीक है इंशाल्लाह। तो चलो अभी जल्दी से पुलाव बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टेप नंबर वन, जो प्याज हमने ली थी, आप दो बड़ी प्याज या तीन छोटी छोटी प्याज को इसमें डाल लेंगे। और ये जो काली मिर्च ली थी ये आधा चम्मच होगी, और उससे थोड़ा शाही जीरा। हाँ, ये भी इसमें पीस देंगे ये डाल के। तो फ्रेंड्स, ये पीस के कुछ इस तरह दिखेगा। पीसने के लिए थोड़ा सा सिर्फ पीसने भर के लिए पानी डालना ना हमें। तो भूल गए। तो फ्रेंड्स, बताने के चक्कर में ये भूल गए कि प्याज और काली मिर्च और शाही जीरा के साथ साथ सौंफ भी पीसेगी। तो हम लोग इसे डाल के फिर से एक बार पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पीस के कुछ इस तरह दिखेगा। सो फ्रेंड्स, वो पीस के रख लिया है हमने ये प्याज का, और अम्मी ने कुकर चढ़ा दिया। और आप अम्मी का जुगाड़ देखिए, मतलब ये हैंडल खुल रहा है तो इसमें ये बांध के रखा है अम्मी। मुझे लगता है अम्मी आपको नया कुकर ले लेना चाहिए। नहीं, अभी चलेगा ये कुकर, और भी है लेकिन ये अभी ठीक करवा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है चाय के बर्तन का वो हैंडल हमेशा टूट जाता है, कुकर का ऐसा हो जाता है, ऐसा क्यों? वो कील लगी, उसकी कील रहती है ना, वो गिर जाती है, अपन ध्यान नहीं देते। वही तो। तो बनाने वालों को थोड़ा और मजबूत बना के देना चाहिए। खैर चलो, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी काम चल रहा है ना। हाँ बस ठीक है, ऐसे ही काम चलाना चाहिए। अम्मी ने हमेशा ये सिखाया कि जब तक काम चले कोई चीज को चलाते रहो। चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी कुकर गर्म हो चुका है और अम्मी इसमें तेल डाल रही है। हम लोग ऑलिव ऑयल ज्यादा खाते हैं, आप अपना कोई भी तेल खा सकते हैं। तो ये अम्मी बड़े वाले चम्मच से, दो तीन चम्मच होंगे तेल। एक तो अम्मी को ना चम्मच का अंदाजा नहीं है, तो अम्मी के हिसाब से जैसे हम दाल निकालते हैं नॉर्मल घर की, ये वो एक चम्मच तेल होगा उससे भर के, और टेबल स्पून चार पांच चम्मच होंगे। ठीक है, और अभी इसमें अम्मी आप क्या डाल रही हो? जीरा बड़े वाले, और तेज पत्ता, दालचीनी के दो टुकड़े, दो ये बड़ी इलायची, एक फूल बस, तेज पत्ता बघारने के लिए। हाँ ठीक है, डाल दो। चिट होगा तो थोड़ा दूर रहे हैं। और अभी जब जैसे ही थोड़ा तेल में जाएगा, उसके बाद जो पेस्ट बना के रखा था प्याज का, प्याज और वो सब चीजों का, वो डाल। और फ्रेंड्स, उसके बाद
ये अदरक लहसुन अब फ्रेंड्स जो टमाटर रखे थे हमने तीन वो हमने कट करके और मिर्ची टमाटर हम उसमें डाल देंगे जो हमारा मसाला बन रहा था और उसे थोड़ी देर के लिए चलाएंगे और उसी में हम मटर डाल देंगे जो कि ग्रीन पीस हमने शुरू में आपको बताया। तो फ्रेंड्स ये जो गैस पे सारा मसाला चढ़ा है ये अच्छे से अभी अम्मी के हिसाब से हो गया है। अम्मी से कितनी देर रहने देना है गैस पे? बस अब हो गया 10 मिनट हो चुके हैं ये गरम मसाला चावल डाल 10 मिनट उसको गैस पे अदरक लहसुन रहता है ना तो उसको भूनना पड़ता है। ठीक है और अभी क्या डाल? ये पिसा गरम मसाला घर का बना हुआ सारी चीजें और जस्ट वो गरम मसाला डालने के बाद चावल डाल देना है। हाँ भून गया पूरा। ठीक है तो ये जो चावल है अभी ये अम्मी इसमें डाल रही है। ये क्या डाल रही है अम्मी? घी थोड़ा सा ऐसे घी भी अच्छा हाँ, टेस्ट के अच्छा लिए लगे खाने। ये ऑप्शन है डालो या नहीं डालो? ना डालो कोई बात नहीं हाँ। डालेंगे तो अच्छा होगा हाँ। अभी क्या डालने रहेगी अम्मी इसमें? बस अब कुछ नहीं सब डाल अभी ढक्कन लगाना रहेगा हाँ, ठीक है फिर खाना रह गया। तो फ्रेंड्स अभी हमने कुकर ये देखिए चढ़ा दिया है अभी इस पे बनेगा। अम्मी कितनी सीटी आएंगी? बस एक सीटी से एक सीटी का। तो देखिए कुकर का जो आपका अपने चावलों का आपका अंदाजा रहता है ना लेकिन कितना पानी अगर आप जब अपन चावल डालें तो बस उंगली डुबा के उंगली देखा बस इतनी हाँ हाँ एक इंच से हाँ 2 इंच एक इंच हाँ डूब जाए बस आराम से पता चले। बाकी चावलों को आपको अपना देखना है कि आपके चावल कितने में जैसे हमने उसको थोड़ी देर भिगो के रख दिया था इसीलिए थोड़ा कम पानी डाला है बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। थोड़ा बहुत तो आप जानते हो कि जैसा बनाओगे अच्छा ही बनेगा वो तो हाँ। चलिए अभी चटनी के बता देते हैं आपको क्या क्या लगेगा और किस तरह। फ्रेंड्स अभी कुकर में सीटी आने का इंतजार है तब तक चटनी की तैयारी हो रही है। तो अम्मी चटनी बनाने के लिए आपने क्या क्या लिया है? 3 टमाटर हरा धनिया 5 करी लहसुन हाँ? 1 चम्मच जीरा हाँ? 3 हरी मिर्च ठीक है। बाकी आप ज्यादा काम अपने हिसाब से जो कर सकते जितना हाँ। लेकिन चटनी में ये चीजें डालती है हाँ ये चीज़ बस इसके अलावा कुछ नहीं। और नमक बनने के बाद नमक जितना आपको खाना है डाल सकते हैं। ठीक है और अभी इसे क्या करेंगे? बस इसमें थोड़े से टमाटर उबाल लेंगे पानी से जैसे किसी को खांसी आती कुछ होता तो अच्छा रहता है। अच्छा हाँ, ये कौन सा डॉक्टर का वो है अम्मी? कच्चा टमाटर रहता है ना तो किसी किसी को खांसी आती ठंडा लगता है तो ये उबालोगे तो बहुत टेस्टी भी बनेगी। हाँ टेस्टी होगी लेकिन ये डॉक्टर नहीं सच में हमारी अजमाई बात है ये मतलब अच्छा उबालो तो उसका ठंडापन थोड़ा कम हो जाएगा अच्छा? आराम से खा लेंगे हाँ ठीक है अच्छी टेस्ट भी आएगा हाँ, टेस्ट आ मुलायम भी रहेगी इसे मोटे मोटे टमाटर रह जाते हैं वो सब कुछ नहीं रहेगा ठीक है बताना। तो जैसे अंडे उबालते हैं तो टमाटर उबालना बस हाँ कितनी देर तक? बस खोल जाए और अगर इसे आपको नहीं उबालना तो चावल के साथ भी डाल सकते हो टमाटर अच्छा जब साबुत फिर उनको बीच में निकाल के पीस लो। अच्छा मुझे खड़े खड़े भूख लगाई पुलाव की खजूर के तो मैं ऑरेंज खा रही हूँ मैं आप भी खा रही हूँ। सर्दियों के फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं मम्मी अमरूद भी सर्दियों का फल है ऑरेंज भी ना हाँ। और चीता फल मम्मी इनको खाने नहीं देते उसमें बहुत फैट होता है लेकिन उनको बहुत पसंद है मैंने बीजा खा लिया अम्मी कैसे जल्दी जल्दी खाए जा रही है देखो इतनी भूख लग रही है और फ्रूट तो खाते रहना चाहिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ है ना मम्मी। पूछो नाश्ता क्यों नहीं किया इसने वीडियो बनाना होता ना तो वीडियो को बहुत ऐसा होता है नहीं वीडियो टाइम पे डालना है आप सबसे वादा कर लिया है तो अभी नाश्ता कर लूंगी। गैस बंद कर दी है टमाटर उबल गए है ये देखो कैसे हो गए हाँ ये ऐसे हो जाएंगे ठीक है तो निकाल लो उनकी खाल निकलने लगेगी। सो फ्रेंड्स ये टमाटर निकाल लेना है इनका इनकी खाल निकाल लेना है जब ये ठंडा हो जाए और इसे काट लेना है। सीटी आ गई है और अभी अम्मी ने गैस बंद कर दी है अम्मी कुकर कब खोलेंगे? अभी बस 5 मिनट बाद 5 मिनट चटनी बना ले फिर खोल ले। ठीक है तो फ्रेंड्स चटनी बनाने के लिए हमको ये सबको मिक्सर में डाल देना हाँ। टमाटर के बारे में अम्मी आप क्या कह रही थी? बस उबाल लिया हाँ। थोड़ा से ज्यादा नहीं हाँ। बस उसके बाद फिर ठंडा कर लो काट के गर्म नहीं चलाना। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है चटनी की उस वाले हाथ से डालो सबको दिखे अरे मैं भी सीटी निकलना चाहती हूँ हाँ। निकालेंगे हाँ।
सो फ्रेंड्स कुकर खुलने को तैयार है। अब पता नहीं चावल का अंदर सही से हुआ होगा नहीं। अम्मी प्लीज इंसल्ट मत कराना, बहुत लोगों ने इंतजार किया, पता चला चावल हलवा बन के निकले। अब देखो जैसा तो बन चुका, जैसा होगा कोई कुछ नहीं है, इसको समझो। इससे मुझे बहुत डर लग रहा है खोलने में। नहीं अम्मी अम्मी मतलब आप सबने इतने दिनों से मटर पुलाव की रेसिपी का इंतजार किया है और फिर चावल हलवा बन जाएंगे। आप तो ये जानते हो कि कोई चीज जल्दी से ऐसी बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है, रोज रोज के बनाओ इतनी खराब होती है। चलो ठीक है देखते हैं। रुको 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 अम्मी रुको रुको, शॉर्ट ले लो। माशाल्लाह अम्मी थैंक यू। अभी बाद में बोल लो, पहले खाओ तो खिलाओ सबको। लेकिन फिर भी ठीक दिख रहा है, चावल भी ठीक दिख रहे हैं, इसे मिक्स कर लो। हाँ फ्रेंड्स काश आप खुशबू सूंघ सकते, जरूर बनाओ। अम्मी बोलो सबको जरूर बनाए। जरूर बनाए, और जो ज्यादा मेरे आसपास रहते हो मेरे घर आके खाने आए। मजदूर हो जाऊंगी तो मजबूर हूँ मैं, अगर मेरे आसपास कोई हो बम्बई शहर में कोई रहता तो जरूर अम्मी के पास और खाते जाए। ना करें अम्मी बनाती। होटल खोल ले अम्मी? होटल नहीं खोल पाएंगे, घर पे बना के खिलाएंगे और टिफिन में भर के भी देंगे अम्मी अब्बू के लिए आपके। ठीक है ठीक है। और जो नहीं आए आएंगे तो वो अपना बना के बताएंगे, बार बार सिखाएंगे हम उनको। ठीक है। सो फ्रेंड्स ये पुलाव तैयार हो गया है। अम्मी अभी इसमें चटनी तो रखो, चटनी के बिना तो अधूरा है ना अम्मी। और मुझे दही के साथ भी अच्छा लगता है। दही नहीं है इसका, ये चटनी से। तुम लोग दोनों तारीफ कर नहीं सकती इनाम में जो तुम दे रहे हो, बहुत अच्छा। चलो अम्मी को मेरी तरफ से एक कुर्ता खिला। अम्मी को सूट का बहुत ज्यादा शौक है। नहीं कुर्ते की वजह से प्यार नहीं करती आज मैं इसे अपने बच्चे। अम्मी कुर्ते की वजह से ही कर रही है। अच्छा आपसे बताओ सूट का कितना शौक है? बहुत ज्यादा शौक है, बचपन से रहा है लेकिन मुझे बहुत सबसे ज्यादा। ये आदत नानी ने बिगाड़ी क्योंकि नानी कह रही थी कि जब नानी के पास पैसे नहीं भी हुआ करते थे तो अम्मा क्या करती थी आप? अनाज ले जाते डली हम भर के बिकल का फिर लावत तू फिर। हाँ गेहूँ बेच के वहाँ किसान, हम किसान, हम लोग किसान हैं। हाँ। खेती है तो हम हमारी गेहूँ डलिया में लेके बेच के फिर मुझे सूट दिलाने जाते। तो अम्मी की आदत नानी ने बिगाड़ दी है, तो अब अम्मी को सूट ही सूट सिर्फ चाहिए होते हैं बस। तो अभी अम्मी को खुश करना है तो अम्मी को सिर्फ सूट दे दो बस हो गया। तो अम्मी को अब मैं कुर्ता दिला दूंगी। लेकिन अम्मी ने अभी मुझे 5,000 रुपए दिए नहीं है मेरे वो वाले शर्ट के। दे देंगे मेकअप वाले, मेकअप वाले दे देंगे। और अभी मुझे गिफ्ट देना है, इसका बर्थडे आ रहा है ना। फ्रेंड्स ये मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है और अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। और आप सबको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग इतना ज्यादा इंतजार कर रहे हैं मेरे 1 मिलियन का। आप सब मेरे लिए सबसे कह रहे हैं कि सब जल्दी से सभा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और बस थोड़ा सा बचा है तो मुझे इस तरह से सपोर्ट करें और इन सबके सामने सेलिब्रेशन हो पाए। और सच में जितने भी सभा के दोस्त हैं आज जुमा का दिन दिल से मोहब्बत करती हूँ, हर वक्त पूछती हूँ, दिन में एक बार जरूर पूछती हूँ आपके दोस्त सब अच्छे हैं, याद करते हैं सब, सब याद करते हैं। आप तो सबको बहुत प्यार देते हैं, अम्मा को, दोनों खाला को, सारा को आप सब इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं। रिजा रेहान को तो आप देते ही है, भाई भाभी को तो आपने हमेशा से दिया है और आप हम सबको पूरी इब्राहिम फैमिली को इस तरह से प्यार देते हैं। और अभी थोड़ी देर में सोएब का फोन आने वाला है, अम्मी क्या बनाया, बोलेंगे मटर पुलाव। लेकिन वो लोग डाइट कर रहे हैं और भाभी भी डाइट कर रही है, नहीं देंगे उन लोगों को, एकदम स्ट्रिक्ट डाइट करने देते हैं। चलता है मैं भी बस थोड़ा सा ही खाऊंगी तो मैं इस वीडियो को खत्म करती हूं। लेकिन ये पुलाव आप लोगों का है, हम थोड़ा सा उनको जरूर चखाएंगे। हाँ ठीक है, तो हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा है कैसे क्या करें, आगे सबको बहुत जिताना, आगे जल्दी से गोल्ड बटन आ जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।